हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डियर कार। तो फाइनली आज हमारे पास अवेलेबल है 2024 न्यूली लॉन्च नेक्सॉन का सीएनजी वाला वेरिएंट। जी हाँ, आपने सही सुना, फाइनली नेक्सॉन भी अब आपको जो है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी ICNG जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं भाई। जबरदस्त माइलेज वगैरह देखने के लिए मिल जाता है इसमें आपको, जो है टॉप मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ वगैरह भी सब कुछ देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली आज हमारे पास अवेलेबल है नेक्सॉन का क्रिएटिव वाला वेरिएंट, देख सकते हैं आप, ये ICNG वाला वेरिएंट है। तो टोटल 8 वेरिएंट में अवेलेबल हो जाएगी ये गाड़ी। तो बेसिकली आज हम इसके बारे में पूरा फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस रेंज होने वाली है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। यहां पे आपको टोटल 8 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, स्मार्ट ऑप्शनल, स्मार्ट प्लस, स्मार्ट प्लस एस, प्योर प्योर, प्योर प्लस, प्योर एस, क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस एस और फियरलेस प्लस PS मिल जाता है, ठीक है। कलर ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे अच्छे अवेलेबल है। ये आपके सामने व्हाइट कलर का ऑप्शन खड़ा हुआ है, तो चार्ट में देख सकते हैं कलर ऑप्शन क्या क्या है। तो ये क्रिएटिव वाले वेरिएंट में आपको ब्लैक रूफ का भी ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ व्हाइट रूफ का भी ऑप्शन मिलेगा। तो ये आपके सामने व्हाइट रूफ का ऑप्शन मैं लेके आया हूँ। टाटा के X1 प्लेटफॉर्म पर ये बनी है। इंडिया की पहली जो है टर्बोचार्ज इंजन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं। इंडिया की पहली गाड़ी है जो टर्बो CNG में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है, 5 ईयर्स या फिर 1,25,000 तक आप एक्सटेंड करा सकते हैं, और 1 ईयर का फ्री रोड साइड असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आयरा कनेक्टेड ऐप भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये क्रिएटिव वाला वेरिएंट है, मिड वेरिएंट है, इसको पूरा फुल डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो ज़बरदस्त। यहाँ पे आपको 321 लीटर की बूट स्पेस वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो आइए फटाफट से आपको दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बूट स्पेस से। तो देख सकते हैं यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह मैंने खोल के रखा है, तो साफ साफ आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल सिलेंडर देखने के लिए मिलेंगे, 30-30 लीटर के दो CNG टैंक है, 60 लीटर के, और 9 kg की आपको जो है यहाँ पे आपको जो है CNG भरवाएंगे आप, 9 kg की जो है कैपेसिटी है। 30-30 लीटर के दो सिलेंडर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त बूट स्पेस, 321 लीटर का बूट स्पेस है, और पेट्रोल में जो आती थी पेट्रोल में आपको 382 लीटर का मिलता था। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे पार्सल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है क्रिएटिव वाले वेरिएंट में। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, लिफ्ट दिस फ्लोर एंड एक्सेस टूलकिट बैग फ्रॉम हियर, देख सकते हैं। ये बैग मिल जाता है, टूलकिट का बैग यहाँ पे आपको मिलता है। इसको ओपन करते हैं तो देख सकते हैं टूलकिट जैक वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बैग काफ़ी अच्छा लगा मुझे, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लू कलर के बैग में ये सब आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। इसमें भी कुछ रखा गया है सामान, रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब देख सकते हैं, इसमें रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 3 kg का हुक यहाँ पे आपको मिलेगा, 2 3 kg का हुक और एक बूट लैंप मिलेगा, 3 kg का हुक दोनों साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप अपने नोजल वगैरह देख सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं। और ये गाड़ी डायरेक्ट स्टार्ट इन CNG, आप इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं CNG में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नोजल वगैरह सब कुछ दिया गया है, और ये देख सकते हैं इसको कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे चेकआउट करेंगे, इसको कर देते हैं क्लोज, और इसकी रियर प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं रियर प्रोफाइल क्रिएटिव वाला वेरिएंट है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंशियल में इंडिकेटर, LED में टेल लैम्प्स मिल जाएंगे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है ये, देख सकते हैं। टेल लैम्प्स वगैरह पूरे के पूरे कनेक्टेड मिल जाते हैं आपको। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ICNG, देख सकते हैं। अब आपको ICNG की बैजिंग देखने के लिए मिलेगी नेक्सॉन में। पार्किंग सेंसर, 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का लोगो देख सकते हैं, और नीचे की तरफ आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है हिडन वाइपर मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी डिफॉगर नहीं मिलता, हाई माउंट, ये देख सकते हैं। स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना आप चेकआउट कर सकते हैं। CNG की बैजिंग पीछे और आगे दोनों साइड आपको देखने को मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। और ये देख सकते हैं फ्यूल लाइट, आइए इसका फ्यूल लाइट ओपन करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ से आप अपना फ्यूल लाइट ओपन करेंगे, इसको खींचेंगे तो आपका फ्यूल लाइट ओपन हो जाएगा। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 44 लीटर आपको मिलेगी, देख सकते हैं। यहाँ पे पेट्रोल की फ्यूल टैंक 44 लीटर मिलेगी, और CNG 60 लीटर मिलेगी 9 kg, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर आपका फ्यूल लिड ओपन रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कट ऑफ हो जाएगा इंजन। ये स्पेशल नॉजल है, यहाँ से आप अपना CNG रिफ्यूल कराएंगे। ये माइक्रो स्विच है, यहीं से आपका जो है कट ऑफ होता है। अगर ये फ्यूल लिड ओपन रहेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इसको आपको जो है बंद करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना ये इंजन कट ऑफ कर देगा अगर आप ये फ्यूल लिड ओपन करे रहते हैं, ठीक देख सकते हैं। और यहाँ पे चेकआउट करेंगे, काफ़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल लगती है, साइड प्रोफाइल, डायमेंशन वगैरह अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है।
और यहाँ पे आप देखेंगे 16 इंचेस के एरो अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरो इंसर्ट्स वाले अलॉय व्हील्स, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और फ्रंट में इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM LED 20 इंडिकेटर के साथ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको जो है यहाँ पे ORVM वगैरह देखने को मिल जाते हैं। CNG की बैजिंग आप देख सकते हैं, रूफ रेस देख सकते हैं, व्हाइट कलर का रूफ आपको जो मिलेगा ऑप्शन। पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, सेमी इंडिपेंडेंट ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम विद स्टेबलाइजर बार कॉइल स्प्रिंग एंड शॉक एब्जॉर्बर वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। और अच्छी चीज ये लगी तो देख सकते हैं स्पेयर टायर, देख सकते हैं नीचे की तरफ स्पेयर टायर आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सी आपको जो है CNG मिलेगी आप Hyundai में भी, लेकिन वहाँ पे स्पेयर टायर हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे नेक्सॉन में देख सकते हैं नीचे की तरफ, मतलब टाटा की कोई भी गाड़ी लेंगे तो नीचे की तरफ आपको स्पेयर टायर देखने को मिलेगा। और अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो देख सकते हैं फ्रंट प्रोफाइल वगैरह कुछ ऐसी दिखती है, और यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिव वाला वेरिएंट है, वाइट कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे सीक्वेंशियल में इंडिकेटर मिलेगा, ये आपका DRL और इंडिकेटर दोनों काम करेगा। नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कोई भी आपको जो है फॉग लैम्प नहीं देखने के लिए मिलता। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्रिल वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेंज, ये देख सकते हैं वाइपर वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बॉडी कलर में जो है डोर हैंडल्स मिलेगी, रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ देख सकते हैं यहाँ से आप अपना इंजन हुड खोल सकते हैं, तो यहाँ से इंजन हुड खोलेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको जो है इंजन मिल जाता है, 1.2 लीटर का रिवर रेवट्रॉन इंजन मिल जाता है पेट्रोल विद CNG। ये इंडिया की पहली गाड़ी है जिसमें आपको जो है रेवट्रॉन इंजन टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, वो भी CNG में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो 98 bhp की पावर 170 nm का टॉर्क निकाल के दे देगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है माइलेज वगैरह 28 kmpl का आपको जो है यहाँ पे माइलेज वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, तो ज़बरदस्त यहाँ पे आपको इंजन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। 73 point something की किलोवाट की पावर है, 98 bhp की पावर है और 170 nm का टॉर्क, देख सकते हैं। बाकी कूलेंट वगैरह यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बैटरी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्सॉन की, ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना वॉशर के लिए पानी भर सकते हैं, वहाँ पे CNG की यूनिट दी गई है, देख सकते हैं ये रेवट्रॉन इंजन है, 3-सिलेंडर इंजन है, देख सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे आपको जो है मिलेगा। और इसकी वाइब और यहाँ पे ब्रेक डॉट फ्लूट वगैरह देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपको पूरी की पूरी इंसुलेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो ये हुई इसकी बात, आइए चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस है चल के बात करेंगे, लेट्स गो इनसाइड द कार। सो आइए इसका ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा डोर हैंडल्स पे, और ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM वगैरह LED 20 इंडिकेटर मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरी यानो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश पूरी जो है स्ट्रिप पे देखने को मिलेगी, ए पिलर बी पिलर ब्लैक आउट दिया गया है। और आइए इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे डोर ट्रिम्स देखेंगे कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ पे आपको डोर ट्रिम्स वगैरह, रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको, बॉटल होल्डर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर, ऑल फोर पावर विंडोज मिल जाती है, इनसाइड डोर हैंडल मिल जाती है, गाड़ी में 4 स्पीकर 2 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको, और फायर एक्सटिंग्यूशर इज बिलो को ड्राइवर सीट, रिमूव इट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सीट। तो यहाँ पे आपको जो है को ड्राइवर साइड के नीचे आपको जो है फायर एक्सटिंग्यूशर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इंटीरियर चेकआउट करेंगे क्रिएटिव वाला वेरिएंट का, 11.69 lakh rupees इसकी एक शोरूम प्राइस है। ये इंडिया की पहली SUV है जो जिसमें आपको टर्बोचार इंजन का ऑप्शन मिलेगा, वो भी CNG में, देख सकते हैं। फैब्रिक सीट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और सीट के पैटर्न्स देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ओवरऑल यहाँ से आप अपना जो है हुड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, 2 सिलेंडर आपको मिल जाता है। और आइए चलते हैं अब इसके इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर में चल के कवर करेंगे, आपको क्रिएटिव वाले वेरिएंट के फीचर्स बताएंगे, तो अगर आपको फीचर जानना है तो वीडियो को आप आगे तक देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इंटीरियर की तरफ और फीचर्स को कवर करते हैं, लेट्स गो इनसाइड द कार। सो गाइस फाइनली इंटीरियर में आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएटिव वाले वेरिएंट में यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, हेडलैम्प के कंट्रोल और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जाती है, और एडजस्टमेंट आप टिल्ट करना पड़ेगा, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको डायरेक्ट स्टार्ट इन CNG, आप डायरेक्ट CNG में स्टार्ट करेंगे, तो कई सारे फीचर्स हैं यहाँ पे CNG के, वो भी अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको सब कुछ दिखा दें। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, 6 एयरबैग वगैरह स्टैंडर्ड, ये देख सकते हैं क्रिएटिव वाले वेरिएंट में काफी अच्छी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, सारे के सारे सीट बेल्ट रिमाइंडर यहाँ पे आपको शो करेगा। ये अभी CNG मोड पे है, तो यहाँ से आप अपना जो है CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक भी शिफ्ट हो जाती है। कई सारे अच्छे अच्छे फीचर्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CNG का लेवल, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल लेवल का आपको जो है लेवल मिल जाएगा, फ्यूल लेवल कितना है, RPM मीटर वगैरह हो गए, बाकी यहाँ पे बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मोड रेशियो, प्रेस टू गो, मेन मेन्यू देख सकते हैं, CNG इन्फो, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशन, लेआउट, सेटिंग, ट्रिप इन्फो,
और CNG इन्फो पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह शो कर रही है 1.8 किलोमीटर, टाइम वगैरह भी यहाँ पे आपको शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है। और रेशियो वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर और आपका जो है ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सब आपको शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है क्रिएटिव वाले वेरिएंट। और व्हीकल इन्फो पे जाएंगे तो देख सकते हैं व्हीकल इन्फो पे यहाँ पे आपको टायर इन्फॉर्मेशन, TPMS भी दिखाएगा, पावर एंड टॉर्क भी दिखाएगा, देख सकते हैं टाइम वगैरह, डेट एंड टाइम वगैरह ये सब आपको शो करेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन में काफ़ी सारी आपको जो है सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। लेआउट में जाएंगे तो डिजिटल डायल व्यू, डिजिटल व्यू, मिनिमल व्यू, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और साथ ही साथ 7 इंचेस का आपको हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो सब चलता है, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, पूरा टच कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेडियो, वर्ड, 3 वर्ड्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नोटिफिकेशन, ये सब आपका यहाँ पे चलेगा। देख सकते हैं यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, टाइम वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, और देख सकते हैं वॉइस कमांड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉइस कमांड, ब्लूटूथ और पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल ये सब मिल जाता है। पार्क असिस्ट, साउंड डेमो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इसका मैं देख सकते हैं ये रियर कैमरा कुछ ऐसा दिखता है गाइडलाइन के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। और काफ़ी सारा आपको जो है यहाँ पे सिस्टम वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं सेटिंग वगैरह, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी 7 इंचेस की स्क्रीन वगैरह मिल जाती है। एसी वेंट्स वगैरह हैं, ये पूरा आपका कंट्रोल मिलेगा, देख सकते हैं पूरा टच कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश, हजार्ड लैम्प, बूट ओपन यहीं से कर सकते हैं, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन, CNG से आप पेट्रोल शिफ्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक AC मिल जाती है, ऑफ ऑन कर सकते हैं, और ये पूरा AC का कंट्रोल, ब्लोअर का कंट्रोल, ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक 45 वॉट का आपको जो है टाइप सी का पोर्ट और USB पोर्ट, 12 वॉट का पोर्ट, ये सब मिल जाता है। 6 फीट का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, और चाबी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो चाबी देख सकते हैं कुछ ऐसी मिलेगी, लॉक अनलॉक, और आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं। ये 2 की मिलती है, उसके साथ साथ आपको ये एक फिजिकल की, दोनों में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी, ये ज़बरदस्त लगता है। और साथ ही साथ IRVM वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, ये वैनिटी मेरा टिकट होल्डर के साथ, और ये आपकी लाइट मिल जाती है, और देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं है, कोई सनरूफ वाला वेरिएंट नहीं है ये। और यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आप ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, एयरबैग, और ये आप अपनी सीट बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि देख सकते हैं कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, क्या बात है, आपको कूलिंग फंक्शन के साथ एक बड़ा डीप ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हुक वगैरह ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा नेक्सॉन CNG में, और फायर एक्सटिंग्विशर ये देख सकते हैं, ये तो CNG का आपको जो है मिल ही जाता है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे CNG में, और इसमें मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको डायरेक्ट स्टार्ट इन CNG, मतलब आपको डायरेक्ट CNG से में आपको जो गाड़ी आपकी डायरेक्ट CNG में स्टार्ट हो जाएगी। सिंगल एडवांस ECU सिस्टम है जो कि शिफ्ट एफर्टलेसली बिटवीन CNG एंड पेट्रोल मोड फॉर हायर इफिशियंसी, तो पेट्रोल और CNG मोड में वो काफ़ी इजीली आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं। ऑटो स्विच बिटवीन फ्यूल, स्विच टू पेट्रोल मोड ऑटोमेटिकली एंड कन्वेंशनली इन केस ऑफ लो CNG, अगर लो CNG हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी, ये काफ़ी अच्छा फीचर है CNG का। मॉड्यूलर फ्यूल फिल्टर मिल जाता है, फास्टर रिफ्यूलिंग के लिए आपको एक अच्छा नोजल दिया गया है, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ लीक डिटेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, इमिडिएटली डिटेक्ट अ गैस लीक एंड स्विचेस फ्रॉम CNG टू पेट्रोल, तो मतलब अगर लगेगा कि गाड़ी को कि लीक हो रही है तो ऑटोमेटिकली जो है स्विच कर जाएगी, ठीक है, पेट्रोल मोड पे। एडवांस मटेरियल इन ICNG किट टू प्रिवेंट लीकेज, फायर प्रोटेक्शन डिवाइस और थर्मल इंसिडेंट प्रोटेक्शन भी है। ये क्या होता है कि कट्स ऑफ CNG सप्लाई टू द इंजन इमीडिएटली इन केस ऑफ थर्मल इंसिडेंट एंड रिलीज गैस फ्रॉम द सिलेंडर एंड डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्पेशल नोजल। इसमें क्या होता है कि अगर CNG मतलब लीकेज उकेज रहेगी तो CNG की सप्लाई इंजन से कट ऑफ हो जाएगी और गैस आपकी सिलेंडर की गैस जो है डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर में एक स्पेशल नोजल के थ्रू रिलीज कर दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे सेफ्टी फीचर्स है, तो ये ICNG का है, और ये पहली गाड़ी है जो टर्बो आपको जो है टर्बो में मिलेगी, तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे टाटा वालों ने धमाल करके रखा है। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो भाई 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे सेफ्टी फीचर्स है, आइसोफिक्स सीट्स मिल जाती है, और हिल होल्ड कंट्रोल, टिल्ट एंड कोलैप्सिबल स्टेयरिंग, काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर है, वो भी आप अपनी स्क्रीन वगैरह पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर कंसोल मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, हैंड ब्रेक वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, की तो मैंने दिखा दी, सीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है। और पीछे की बात करें तो रियर सीट देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है, आइए चलते हैं अब रियर सीट पर बैठ के बात करेंगे क्या क्या फीचर है, सब कुछ आपको बताएंगे इसके बारे में, तो आइए चलते हैं रियर सीट पर, लेट्स गो बैक।
आइए इसका रियर डोर ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रियर डोर ओपन करेंगे, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक सेफ्टी का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, डोर ट्रिम्स वगैरह कुछ ऐसी दिखती है आपको, और साथ ही साथ स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बॉटल होल्डर, पावर विंडोज मिल जाती है, सीट आइसोफिक्स सीट्स मिल जाती है, भाई बहुत जबरदस्त सीट है, भाई मस्त सीट है, देख सकते हैं कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, पूरी सीट आपको फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से, तो 60-40 का येले वेरिएंट में आपको ऑप्शन नहीं मिलता, पूरी पूरी फोल्ड कर सकते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। आइए अंदर चलते हैं, बैठ के बात करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे कम्फर्ट लग रहा है, थाई सपोर्ट वगैरह देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये रियर एसी वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, और हम काफ़ी कम दिया गया, ठीक ठाक है, और सीट्स काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और हेडरूम वगैरह देख सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पे आपको मिल जाता है, एक ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक कोट हुक मिल जाता है, देख सकते हैं छोटा सा हुक मिलता है, और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी सीट पॉकेट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है, और ये आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल वगैरह, और ये कोट हुक वगैरह, 6 एयरबैग, पार्सल ट्रे वगैरह, ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं, और ये डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये मिड वेरियंट है, मतलब क्रिएटिव वाला वेरियंट है, ICNG का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, सारे म्यूजिक सिस्टम, कैमरा, ठीक है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह आपको ये सब आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप सनरूफ वाला वेरियंट लेना चाहते हैं तो सनरूफ वाला भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी इसके बेस वेरियंट से ही। वेरियंट्स क्या क्या है वो सब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राइस भी मैंने पूरी लगा दी है लिस्ट, वो सब देख सकते हैं। अगर आपको गाड़ी अच्छे रेट में जल्दी चाहिए, अच्छे रेट में, तो डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो रखा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल वगैरह निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, यहाँ करने का बटन, ये सब आपको दिया गया है। तो कैसी लगी आपको जो है ICNG वाला वेरिएंट, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, मतलब प्रीमियम क्वालिटी फील होता है, और माइलेज वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको नेक्सॉन CNG का ICNG वाला वेरिएंट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो चैनल पे नया है तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता भाई, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।